को नेट निकालना होता है तो फिर हम लिमिट के अंदर इंटीग्रेट करते हैं। यहां लिमिट हमने आपको दे दी है जीरो से q तक चार्ज होने में, तो ये जो w है w इंटीग्रेशन dw और ये हो जाएगा q अपॉन c इनटू dq। तो 1 अपॉन c बाहर, कहां से? जीरो से q तक, इंटीग्रेशन जीरो से q, q इनटू dq, सॉरी बड़ा वाला q, q इनटू dq। ठीक ठीक है भाई। अच्छा, अब वी विल इंटीग्रेट इट 1 अपॉन c, ये हो गया आपका q स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 2c। क्या हो जाएगा ये आपका? q स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है। अच्छा, दिस वर्क विल बी स्टोर्ड, दिस वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क जो आपने किया है ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा, यानी W जो आपका आया था ये W आपका बदल जाएगा U में। ठीक है, और U यानी पोटेंशियल एनर्जी। और ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C। U का पहला फार्मूला है ये, अभी हम और फार्मूला बताते हैं। अच्छा, वी नो दैट, वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV। ठीक, यहां पर आप रखिए U इज इक्वल टू 1 अपॉन 2C, C स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर यानी हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है बेटा, उसी तरीके से अब अगर आप C की जगह Q बाई, अगेन C की जगह आप Q बाई V रखते हैं, क्या रखते हैं? Q बाई V। तो U का आपको एक और फार्मूला मिल जाएगा, वो क्या होगा? Q स्क्वायर अपॉन 2, अबे बड़ा वाला Q रखो यार, Q अपॉन V, 1 अपॉन Q V। ये आपका तीसरा फार्मूला हो गया। ये तीन फार्मूले अभी एक बार फिर आपके सामने आएंगे और फिर हम वहां आपको बताएंगे कि कौन सा फार्मूला आपको किस टाइप के न्यूमेरिकल में टैकल करना है। ठीक है, इसको भी वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, एक लुक दे दिया मैंने, आप इसको नोट करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे। अगली हेडिंग जो हमारी है वो ये है, कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस इन एनर्जी। कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस इन एनर्जी। ठीक, आप एक काम करिए, पहले तो हम बोर्ड को दो हिस्से में भाग दें। कंसीडर टू स्फेरिकल कैपेसिटर कंडक्टर, यार टू स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस C1
and C2. Which is given charges Q1 and Q2 respectively. Let Q1 and Q2 are the charges given to C1 and C2. ठीक, अब आप एक गोला बनाया आपने, इसका कैपेसिटेंस C1, इसके ऊपर रखा हुआ चार्ज Q1, इसका कैपेसिटेंस C1 और इस पर रखा चार्ज Q1, दो चीजें हो गई। अब इसके ऊपर जाहिर सी बात है, जब चार्ज आया तो पोटेंशियल भी आएगा, उसका पोटेंशियल आप V1 मान लीजिए, और आपने एक दूसरा कंडक्टर लिया हुआ है जिसका कैपेसिटेंस C2, चार्ज Q2 और पोटेंशियल V2 है। ठीक, कहिए लेट V1 इज ग्रेटर देन V2, हाई पोटेंशियल पर है पहला वाला और लो पोटेंशियल पर है दूसरा वाला, इसका मतलब Q1 ज्यादा चार्ज है और Q2 कम चार्ज है। ठीक है, इसलिए कनेक्ट बोथ दी स्फीयर्स, बोथ दी स्फीयर्स विद अ कनेक्टिंग वायर, एक कनेक्टिंग वायर से हमने इसको क्या किया, दोनों को कनेक्ट कर दिया, क्या किया, कनेक्ट कर दिया। चार्ज विल बी फ्लो अंटिल द कॉमन पोटेंशियल इज रीच। ठीक है, तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल अंटिल अंटिल बोथ रीच एट कॉमन पोटेंशियल। ठीक, बोथ रीच एट कॉमन पोटेंशियल। ठीक, तो पहले हम सीन दिखा देते हैं आपको, C1 कामा Q1 कामा V1 एक वायर कनेक्ट किया, Q2 कामा C2 एंड V2। ठीक, चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, और फाइनली फाइनली क्या होगा भाई, फाइनली दोनों के पास कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा, यानी Q1, तब यहां पर चार्जेस बचेगा Q1 डैश, कैपेसिटेंस रहेगा सेम, और ये पोटेंशियल हो जाएगा V। ये जो आपका दूसरा गोला है इसका चार्ज हो जाएगा Q2 डैश और ये C2, ये V। हमने इसको क्यों बदला, क्योंकि की चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो Q1 में कुछ अमाउंट घटेगा और Q2 में कुछ अमाउंट बढ़ेगा, लेकिन चूंकि मामला बीच में कनेक्टिंग वायर का है तो आप ये नहीं कह सकते कि जितना चार्ज आपने फर्स्ट कैपेसिटर से निकाला है वो दूसरे कैपेसिटर में जाएगा, क्योंकि कि कुछ चार्ज लॉस करेगा एनर्जी के फॉर्म में इस वायर के अंदर, बात एकदम साफ सुथरी और सफेद है। ठीक है, अब हम इस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे, तो कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन नेट कैपेसिटेंस। नेट चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2, नेट कैपेसिटेंस कितना है, C1 प्लस C2। अच्छा, अगर हम Q1 की वैल्यू लिखना चाहें तो इसके लिए आप लिख सकते हो Q1 इज इक्वल टू C1 V1, और इसके लिए आप लिख सकते हो Q2 इज इक्वल टू C2 V2। तो ये हो गया C1 V1 और ये C2
V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आ गया आपका कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, पहली चीज। अब दूसरी चीज हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड। अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड, ठीक। तो मान लीजिए वो अमाउंट कितना है, डेल्टा क्यू, इनिशियल अमाउंट Q1 और फाइनल अमाउंट Q1 डैश। Q1 की वैल्यू आप क्या रखोगे, Q1 की वैल्यू आप रखोगे C1 V1, और Q1 डैश की वैल्यू आप क्या रखोगे C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। वो कंफ्यूज हो जाओगे, अब ये लिखोगे C1 V1, ठीक है। तो C1 कॉमन निकाल लो चाहे तो, इसको रहने दो V1 माइनस, अब V की वैल्यू ये वाली उठा के रख दो, C1 V1 प्लस C2 V2 कॉमन ना निकालो यार, साथ में रहने दो, जो होगा देखा जाएगा। C1 V1 अपॉन C2 V2 प्लस C1 प्लस C2। एक काम करो, LCM ले लो, तो इसका पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई, ठीक। तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1, और ये हो जाएगा C1 C2 V1। फिर C1 का C1 से मल्टीप्लाई, यानी माइनस C1 स्क्वायर V1, और फिर ये माइनस C1 C2 V2, ठीक। तो प्यारे बच्चों, ये तो हुआ कैंसिल, एक स्टेप बाकी है, इसलिए हम यहीं पर थोड़ी सी जगह लेकर उसको लिख देंगे। तो अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर जो हुआ है डेल्टा क्यू, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू C1 C2 दोनों से कॉमन ले लो और नीचे लिख दो C1 प्लस C2, और ये हो जाएगा V1 माइनस V2। ये आ गया आपका अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर। वीडियो को पॉज कर इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम इसके आगे की कथा बताते हैं। अब लास्ट इन एनर्जी की बात करेंगे, या आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, हम लास्ट इन एनर्जी की बात करेंगे। जब आपने कैपेसिटर को Q1 चार्ज दिया, आपको मालूम है कैपेसिटर को चार्ज करने में आपको वर्क डन करना पड़ता है। वो वर्क डन जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, जिसका एक्सप्रेशन अभी हमने आपको तीन बताया था, Q2 अपॉन 2C, CV2 अपॉन 2 और ½ QV, ठीक है। तो हम यहां पर देखो, इसमें जो तीन फार्मूले हैं उसमें सबसे कॉमनली यूज किया जाने वाला जो फार्मूला है वो ये है, इनिशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर्स। जब Q1 चार्ज दिया तो उसके पास पोटेंशियल कितना आया V1, यानी हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया भाई। अब जब आपने वायर से कनेक्ट किया तो आपने देखा चार्ज ट्रांसफर्ड हुए। जब चार्ज ट्रांसफर्ड हुए तो जाहिर सी बात है कि कुछ चार्ज रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क डन करने में लॉस करेंगे, तभी तो कॉमन पोटेंशियल आया है, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल कैसे आ जाएगा, एक के पास ज्यादा एक के पास कम, लेकिन आप बाद में कह रहे हैं बराबर है, तो इसका मतलब कुछ लोचा है, वो लोचा क्या है, कुछ लॉस है, वो लॉस क्या है, एनर्जी का लॉस है, ठीक है। तो हम देखते हैं फाइनल एनर्जी ऑफ कंडक्टर्स। अब हाफ सी वन वी स्क्वायर
हाफ सी टू वी स्क्वायर, ठीक। अर्थात यहां से 1 बाई टू कॉमन ले लीजिए तो सी वन प्लस सी टू इंटू वी स्क्वायर। ये देखिए अब लॉस इन एनर्जी निकालना है, तो इसको हम कहेंगे u इनिशियल और u फाइनल। तो लॉस इन एनर्जी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u इनिशियल माइनस u फाइनल। बेटा देखो 1 बाई टू सब में है तो हम एक ही बार कॉमन निकाल लेते हैं, क्यों झंझट करें। 1 बाई टू अब यहां है c1 v1 स्क्वायर, यहां है c2 v2 स्क्वायर, फिर माइनस टाइम्स c1 प्लस c2 इंटू v स्क्वायर। अच्छा v क्या है, कॉमन पोटेंशियल, और कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू आप जानते हैं। अगले स्टेप में उसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वन लिख वन बाई टू लिखिए c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 स्क्वायर माइनस c1 प्लस c2, v की जगह पर आप लिखेंगे c1 v1 प्लस c2 v2 डिवाइडेड बाय c1 प्लस c2। बेटा ये v के ऊपर का स्क्वायर है, इसको हम ऊपर न्यूमरेटर में अलग कर देते हैं, डिनोमिनेटर में अलग। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर एक पावर नीचे दो पावर, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, बाकी जो एक पावर बची है वो आप एलसीएम ले लीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए भाई, ठीक। यानी अब ये पूरे के बटे में आ गया c1 प्लस c2, क्या आ गया पूरे के बटे में c1 प्लस c2। अब ये c1 प्लस c2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार इसका करोगे तो ये हो जाएगा c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, फिर इसमें करोगे तो ये हो जाएगा c1 c2 v स्क्वायर, फिर इसका इसमें करोगे तो ये c1 c2 v2 स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका इसमें करोगे तो ये c2 स्क्वायर, ये हो जाएगा c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, ठीक। माइनस लगा हुआ है, अब ये तो है नहीं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इस फार्मूले को खोल दीजिए तो ये हो जाएगा c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस माइनस ट्वाइस ऑफ c1 c2 v1 ना, हाँ ठीक है, c1 c2 v1 v2, ठीक। अच्छा अब देखो c1 v1 स्क्वायर से c1 v1 स्क्वायर कैंसिल, c2 v2 स्क्वायर से c2 v2 स्क्वायर कैंसिल, ठीक। बचा क्या, एक ये और एक ये, और तीनों में तुम देखो c1 c2 है कॉमन, तो ये फाइनल स्टेप है हमारा c1 c2 हमने कॉमन लिया, ट्वाइस ब्रैकेट पे c1 प्लस c2 किया, और अब ये लिखा हमने v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ v1 v2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी सी वन सी टू अपॉन टू सी वन प्लस सी टू ब्रैकेट में, और ये हो गया बी वन माइनस बी टू का होल स्क्वायर। ये लॉस इन एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक। अब हमने आपको कंडक्टर के बारे में सारी चर्चा कर दी, कुछ प्रॉपर्टीज बाकी रह गई, वो उसके बाद फिर हम कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस से नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट करके हमें बताते रहें, बाकी न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए सारे इंस्ट्रक्शंस आपके पास मौजूद है। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से देख मैं वीडियो को दिखा देता हूं आपको।